मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीएसपी अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने पर मायावती ने दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार ठहराया, कहा कांग्रेस ने गुजरात से भी सबक नहीं लिया। रुपए में रिकॉर्ड गिरावट जारी, एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 73.33 रुपए हुई। रुपए की गिरावट का असर शेयर बाजार पर भी पड़ा, बाजार 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, सेंसेक्स करीब 550 और निफ्टी 150 अंक लुढ़का। हरियाणा में कर्ज न चुका पाने पर भिवानी जेल भेजे गए किसान की 10 दिन बाद मौत, परिजनों का हंगामा। रफेल के मुद्दे पर वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने सरकार का बचाव किया, कहा इमरजेंसी में खरीदे गए इसलिए कीमत ज्यादा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और चौधरी अजीत सिंह के आने की खबर के बाद केंद्र सरकार ने आधी रात को किसान नेताओं से समझौता किया, अपने अपने गांव लौटे किसान। स्वीडिश कंपनी एरिक्सन का बकाया नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट में अनिल अंबानी के खिलाफ याचिका, याचिका में अनिल अंबानी के विदेश जाने पर रोक लगाने को कहा। और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया का ऐलान, पृथ्वी शाह डेब्यू करेंगे।